Hello friends, my name is Dheeraj and welcome back to my channel Study and Play. ये second part है Commonwealth Games important question and answer का, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है government exams के लिए, जो कि different fields में पूछे जाते हैं, जैसे SSC, RPF, NTPC, RRB. और इस वीडियो के बाद मैं RPF एग्जाम में जो फर्स्ट डेट फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर वो वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसको मैंने क्रैक भी कर लिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को. तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं मतलब जो भी मैं RPF की वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे देख पाए. और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया है इस वीडियो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. The right answer for this question will be 71. So friends, 71 countries ne participate kiya tha 2018 ke Commonwealth Games mein. And second question is, what was the mascot name of Commonwealth Games 2018? And the right answer will be Borobi. Actually, mein iska pronunciation hai. And the third question is, who was the Indian flag bearer of opening ceremony? जो 2018 का था वो उसका राइट आंसर रहेगा पीवी सिंधु, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, इस पे फोटो भी लगा रखी है मैंने. एंड द फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज कॉमनवेल्थ गेम 2018 हेल्थ, कहाँ पे हुआ था ये हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, आप देख भी सकते हैं आप. इसके अलावा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 विल टेक प्लेस, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है और जिसका राइट आंसर है बर्मिंघम इंग्लैंड. ये यहाँ पे होगा 2022 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आ भी सकता है. और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द थीम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो इसकी जो थीम है वो क्या है, थीम है हार्ट ऑफ यूके सोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो है 2020 का थीम है. क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, हु इज द गोल्ड मेडल विनर ऑफ इंडिया इन एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, और इसका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा, जो थे वो विनर थे इसके. और क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, नीरज चोपड़ा की फोटो भी आप देख सकते हैं. तो एक क्वेश्चन है, हु इज द इवेंट वुमेन सिंगल्स गोल्ड विनर इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसका राइट आंसर है, जिसका फोटो भी लगा रखा है यहाँ पे मैंने, साइना नेहवाल इज द राइट आंसर. एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है. एंड वुमेन्स बॉक्सिंग गोल्ड विनर 2018 का कौन था, और इसको तो सभी जानते होंगे, मैरी कॉम वॉज द विनर ऑफ गोल्ड मेडल. एंड नाउ द क्वेश्चन इज 10, who was the Indian of bronze medal winner in para powerlifting Commonwealth Games 2018? आप फोटो देख सकते हैं, सचिन चौधरी थे. और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, who become the first silver medal winner of India in men's 56 kg weightlifting 2018? और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरु राजा, जिसकी फोटो भी आप देख सकते हैं गुरु राजा. इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर ये है, हु वर द फर्स्ट इंडियन ऑफ विनिंग द फर्स्ट सिल्वर मेडल इन मेंस डबल बैडमिंटन कॉमनवेल्थ गेम 2018, और इसका आंसर है सात्विक सेरी एंड चिराग सेठी, जिसकी फोटो भी आप देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
13 इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2018 कॉमनवेल्थ गेम टुक प्लेस, किस महीने में हुआ था? तो मंथ जो था वो अप्रैल का था और 4 से 15 के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 14 इज हाउ मेनी टाइम्स इंडिया अपीयर इन कॉमनवेल्थ गेम्स टिल 2018। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है 18 बार जो है ये अपीयर हुआ है अभी तक, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक। सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द फिनिशिंग पोजीशन ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018। तो फिनिशिंग पोजीशन जो था वो थर्ड पोजीशन था इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द बेस्ट टूर्नामेंट पोजीशन अचीव बाय इंडिया आफ्टर 2010 इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर है ये भी थर्ड पोजीशन ही था और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब दो तीन क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस इनके आने के। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स दैट इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम 2018। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा टोटल इन्होंने 26 जीते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। क्वेश्चन नंबर 18, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो 66 मेडल्स ने टोटल जीते थे। तो ये है इस वीडियो की एंडिंग और इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा तो उसके अंदर भी मैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।